सचिदानंद रूपाय विशोत्पत्यादिहेतवे तापस्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै हरि नाम संकीर्तन 2-5 मिनट। Krishna, Krishna.
होली महोत्सव जब ध्यान साधना शिविर के चतुर्थ दिवस चौथे दिन के सुप्रभात की बेला में परम पिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण हरि उनकी हेतु रही कृपा से दया से आप और हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिनु हरि कृपा बिना ईश्वर इच्छा के ऐसे दैवी क्षणों का ऐसे दैवी कार्यों का कहीं भी यहाँ की नहीं बात कर कहीं भी अगर अपने को कहीं ऐसा समय मिलता है तीर्थ करने का यात्रा करने का व्रत करने का उपवास करने का भगवान का सुमिरन चिंतन करने का सदग्रंथों का अध्ययन करने का एकांत में बैठकर आत्मसंतुष्ट होने का जो भी सौभाग्य मिले वो क्षण का धन्यवाद परमात्मा को देना चाहिए। उसका आशय परमात्मा है। कहते कि हम याद करें और वो हमें याद करे। सब ने ऐसा ही मांगा। बाकी चीजें तो ठीक है बंधु। कल मैंने कहा आपका शायद ध्यान होगा कि कैसी भी अवस्था में व्यक्ति जी लेता है और पुरानी संस्कृतियां पुराना कल्चर और वो सारे जो सिस्टम है वो पहाड़ों में रहने वाले गरीब लोग आदिवासी बंधु मतलब जो भी है कोई हो वो देखो ना कितना ऐसे उत्सव में कितना आनंद मनाते कितना खेलना नाचना नृत्य करना आनंदित होना जबकि उतना कोई सुविधा नहीं है जितनी उनकी खुशियां को देखकर लगे लेकिन आत्मसंतुष्टि ही खरी अमीरी है। सच्ची अमीरी जो है वो आत्मसंतुष्टि है। सबसे बड़ा धन संतोष धन। तीन लोग की संपदा रही सील में समाए। ऐसा सील और ऐसा स्वभाव का विकास होना चाहिए अपना आप और हमारा संतुष्ट संतुष्ट सततम योगी। तो इसलिए संतोष धन सबसे बड़ा है। हम लोग जरा जरा सी बातों में परेशान हो जाते हैं जरा जरा सी बातों में बेचैन हो जाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि बापूजी जैसे लोग ऊंचे आसन पर बैठते हैं सबको जो है बातें सुनाते रहते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत भी रहती है। कल बहुत थक गया है दोपहर में भी विश्राम नहीं हो पाया। मैं हमारे साधक को कहता था दरवाजे बंद कर ले मैं थोड़ा आराम कर फिर एक आता है कुछ पूछना है ठीक क्या पूछना है? ये कोई भी व्यवस्थाएं कार्यक्रम की इसकी उसकी को ठीक है हाँ ऐसा कर लो फिर हाँ अब तो मैं आराम करता हूँ बंद कर दे किसी को आने मत दे। 15 मिनट बाद दूसरा आता है कुछ जरूरी बात ठीक है 15 मिनट बाद तीसरा आता है 5 बज गए एक आया अभी आधा घंटा समय है आपके पास सो जाओ। मैं बोला कहाँ नसीब में है सोना
हनुमान जी को सुरसा नाम की आसुरी राक्षसी जब समुद्र पार कर रहे थे, से हनुमान जी लंका में जा रहे थे, तो बीच में मिल गई ना एक हाँ मैनाक पर्वत में, बीच में मैनाक पर्वत आ गया और उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है आप पहली बार मेरे ऊपर से उड़कर जा रहे हैं। हनुमान जी को कहा कुछ देर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा राम काज किए बिनु मोही कहाँ विश्राम। ऐसे लोगों कहाँ विश्राम बड़ी, लेकिन गम का जहर पीना जिसको आ गया, ये हकीकत है कि जहां मैं उसी को जीना आ गया। वो भीतर कितने भी परेशान हो, कितने भी कर्मनिष्ठ, आप मेरी बात नहीं आपकी भी, जिन लोगों पर जितना भार होता है वो दिखते हैं कि ये घर का मुखिया है, बच्चे बहुएं परिवार के सदस्य, पापा के हाथ में सब कुछ है, पिताजी का मुखिया है ना भाई, उसे सब बातें पूछनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, लेकिन मुखिया ही जाने उस पर क्या बीतती है। बहुओं के कपड़े लेने जावे तो विचार करना पड़ेगी, एक जैसे हो, हल्के भारी हो तो मुसीबत खड़ी हो जाए। बच्चे हैं उनके पोते हैं तो उनका कुछ करे तो सब कुछ संभल कर करना पड़ेगा, नहीं मुसीबत खड़ी हो जाए। एक बहु नाक मुंह मोड़ेगी कि देखो ना उसके बच्चे के लिए कैसा लाया है ड्रेस होली में, मैंने मालूम है, मुझे पता है कितनी बड़ी गम है। वैसे शाम हो गई, फिर बापूजी वो ग्रुप मिलना चाहता है, वो ग्रुप मिलना है, ठीक है हाँ मिलूंगा जरूर, उनका जरूरी है, हाँ इनको। फिर रात के 11:30 बज गए, अब शरीर ने जवाब दे दिया कि बिल्कुल सो जाने तो गिरा दूंगा तुझे, पंच तत्व का शरीर है महाराज, ऋषियों का हो, संतों का हो, किसी का भी, नेता का हो, राजा का हो, प्रजा का हो, पांच तत्व। तो मैंने आखिरी एक पार्टी को हाथ जोड़ा कि अब बिल्कुल जो है मैं आराम करूं। ये सब कहने के पीछे मेरा भाव यह है कि आप लोग दिल से जुड़े हैं साधक परिवार से, और दिल से नहीं जुड़ते ना तो मैं ऐसी मजदूरी करने वाला भी नहीं था। हाँ तो बादशाह जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, कोई अपेक्षा नहीं, जो कुछ आता है वो सब समाज की सेवा में लगा दिया जाता है। यहां कुछ भी बैलेंस नहीं रहता, कोई भी जमा नहीं रहता, कोई वस्तु स्टोरेज नहीं रहती, जो आता है सेवा में लगा दिया। तो मैं सारी बात के पीछे इशारा करना चाहता हूं आपको, कल्पनाएं तो बहुत थी हमारी है भी, कि हर एक जगह एक केंद्र चाहिए। अभी एक आश्रम है, छोटा मोटा टूटी फूटी व्यवस्था है, तो आप लोगों को एक केंद्र बिंदु है कि हाँ वहां जाएंगे। अगर साधना करो तो आप पूछते हो कि हम कहां लक्ष्य केंद्रित करें, हम कहते कि ऐसे सारे चक्र है और जहां हम लोग तिलक लगाते हैं उधर भ्रुकुटी के मध्य में दोनों पंखुड़ियों के बीच में अज्ञा चक्र होता है, अज्ञा चक्र उधर नासिका के अग्र भाग में, कई लोग नासिका का अग्र भाग यानी ये सामने वाला भाग, तो कई लोग ऐसा ध्यान लगाते तो वो तो गलत है, उल्टा है। अग्र भाग का मतलब है मूल में जहां तिलक लगाते उधर ध्यान करें, मतलब कहीं न कहीं आपको टिकने के लिए केंद्र चाहिए, बिंदु चाहिए। लोग गुरु करते हैं किसी को भी इसलिए कि हमको कोई साधना की ऐसी पद्धति बतावे कि फिर हम बार बार अपना वो चेंज न करें, एक ही लाइन से
एक ही धर्म एक व्रत नेमा मन क्रम वचन प्रभु पद प्रेमा। एक लाइन से जावे तो इसलिए ये सारा सिस्टम है। अब कहीं आई व्यवस्थाएं रहती है यहां की, कुछ सिक्योरिटी व्यवस्थाएं है, कुछ नाना प्रकार की व्यवस्थाओं की सेवा है, किसी को कुछ उसमें तकलीफ हो जाती है, ये लोग हमको तकलीफ देते हैं, कुछ भी नहीं। यहां जो भी लोग आपको दिखेंगे मेरे इर्द गिर्द आपके सही, मैं तो समझता हूं कि इतने निस्वार्थ लोग जुड़े हैं। आज तक लाखों प्रेमी मेरे मुझसे प्रेम करते लेकिन कोई ऐसी हिम्मत नहीं किया आकर के कि बापूजी मेरे गले में एक ताइत बांध दो, बापूजी मुझे एक धागा बांध दो, या कुछ झाड़ फूंक कर दो, मोर पंख लेके मेरा ये उतार दो। कोई नहीं कहता, उधर से ही गाइडेंस लेते कि वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका मार्ग कौन सा है। तो गरीब भी हो अनपढ़ भी हो ऐसे साधक भी सुव्यवस्थित गाइड करते हैं किसको साथ में लाने वाले, अगर चलना है तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं चलेगा, कोई अंधश्रद्धा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो तो चर्चा करते हैं और शुभकामना करते हैं, निस्वार्थ प्रेम कर, कुछ नहीं करते दूसरे, और ये सब कर सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं, कोई अलग सी बात नहीं है, सबके पास। हमारे ब्रह्मचारी भी होंगे, साधु भी होंगे, कहीं से कहीं तक किसी का कोई स्वार्थ नहीं रहता। भक्तों ने मिलकर इमारतें बनाई, बना रहे हैं, मेरे साधु तो झोपड़े में ही रहते हैं। न्याय यानी न्याय होना चाहिए। एक तरफ प्रेमियों को लगता है कि इतना सब कुछ चलता है, बाप रे कहां से क्या आता है, कितना आता है, आता है, लेकिन जिस कार्य के लिए आता है उसी में लगता है। तो कहने का मेरा भाव कि गांव के भी जो प्रेमी है ये उनका गौरव है कि उनको सहज में ये सब प्राप्त है, उन्होंने भी मदद करनी चाहिए हर क्षेत्र। आज तक मदद करते ही आए और करते हैं, लेकिन थोड़ी समझ की सेटिंग की बात है। कल हम थोड़ा घूम रहे थे, कुछ न कोई चर्चा हमारी निकलती है कि भाई जिनके पास प्रवेश पत्र हो कम से कम उनको इतना सम्मान तो मिले कि वो आगे बैठे। मैंने कहा कायदे की बात है, और फिर हम सभी का कर्तव्य है बाहर से जो प्रेमी आए, हम बापूजी को रोज मिलते, रोज दर्शन करते, रोज उनकी कुछ न कुछ बातें सुनते, उन्हें आदर दे, उन्हें सम्मान दे। आदर दान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सस्ता, कुछ भी नहीं लगता उसमें, कुछ भी नहीं लगता, कोई भी कर सकता है। सबको आदर दे। कोई हमसे उम्र वाले आ गए तो हम कहे आप बैठिए, नहीं हम बैठ जाते, आपने पुण्य कमा लिया, आपको पता नहीं चला, क्षण भर में आपने पुण्य कमा, उसकी आत्मा में आपके प्रति एक सहानुभूति हो गई, एक प्यार हो गया कि अच्छा धन्यवाद। कल कोई मेरे साथ चर्चा कर रहा है विदेश के बारे में, कुछ उधर जाने वाले लोग, कुछ आने वाले लोग भी कहते रहते कि वहां पर अच्छी बहुत सारी कुछ ऐसी अच्छी बातें, अच्छी बातें कहीं भी हो, एक गिलास पानी भी किसने किसको दिया तो कहते हैं थैंक यू अर्थात धन्यवाद। और अपन भी देखते वो लोग इधर आते कहते कि उतना भी नहीं रिटर्न देते, उतना भी धन्यवाद देते, जबकि ये सारा कल्चर हमारे वैदिक संस्कृति का इधर से ही गया पूरी दुनिया में।
इसमें कोई नई बात नहीं, इधर से ही गया। हम भूलते जाते हैं, हमें कोई एक गिलास पानी देवे छोटा हमसे उम्र में, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, कहते कि उसका काम है, देना चाहिए उसे। हम उसको कहे कि धन्यवाद, कितना अच्छा लगा, नहीं होता है। कहते कि किसी को कुछ पूछना है वहां पर परदेश, तो पूछने के पहले कहते कि क्या एक शब्द है, हाँ नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा अच्छा है, पहले पहले उसे प्लीज 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 हमको इधर जाना है, प्लीज हमको थोड़ा सा जगा दे दो, प्लीज हमको कृपया, इसका क्या भाव है, कृपया थोड़ा सा पहले, इन्हें कुछ मांग रहा है, प्लीज थोड़ा सा रास्ता चाहिए, कृपया थोड़ा सा, कितना अच्छा है, कैसा खुश होगा वो। अब उसी को कहा जाए बाजू हट, यार सरक उधर, सरक, नाक किधर जा रहे, आंख किधर जा रहे, क्यों परेशान हो रहे, उसी को दी थोड़ा सा, ऐसी बहुत सारी बात, ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरा यही भाव हुआ, रात को भी कुछ लोगों को नाराजगी हो गई, उनको मैं 1.5 घंटे समझाया, ये सिक्योरिटी अपने आप, मेरे वो मेरे क्या, हमारे ब्रह्मचारी सेवा कर रहे थे, कहते हैं ऐसे सबको हुआ है, मैं बोला हाँ सबको। वो भीष्म भी महाभारत की गुत्तियां सुलझाते सुलझाते आखिर बाणों की संख्या पे गिर पड़ा, लेकिन समस्या को सुलझी नहीं। वो दुर्योधन आता है वो डांटता है, ये आते पितामह हम क्या करें, वो आते हम क्या, बोले अब मैं करूं क्या, अरे दुर्योधन तू भी मुझे उतना ही प्यारा है जितने पांडव है, लेकिन अब समझाऊं कैसे, बढ़िया आपत्ति बात। तो इसके लिए ऐसे जो भी कुछ हो, क्या है संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात का वो किया कि ईश्वर की ऐसी कैसी लीला होगी, मीरा जैसे को जहर पिलाया, क्या बिगाड़ रही थी किसका, सुकरात बहुत बड़े महापुरुष हो गए विदेश में, उनको भी जहर पिलाया, कुछ नहीं बिगाड़ा किसका, सबका भला चाहते थे। मंसूर नाम के इस्लाम जगत के एक महान संत हुए, फकीर हुए, शाह कलंदर के शिष्य मंसूर, कुछ नहीं सच बात कही थी, अनल हक मुझ में ही खुदा है। लोगों ने बोला कि ये कहां से दूसरा खुदा आ गया, इसको आराम करो, सूली पर चढ़ाओ। उनके गुरु ने कहा था कि बात ठीक है, मैं समझता हूं और तुम समझते हो, लेकिन ये खुलेआम कहने की बात नहीं है, ना समझ लोगों की बहुत भीड़ होती है, समझदार बहुत कम होते हैं, इसलिए मंसूर ये दिल के बात दिल में रखो, ऐलान नहीं करना। लेकिन वो क्या करे, जैसे किसी की प्रीत हो गई, मीरा ने कहा अब प्रगट भई जग जाने, मीरा ने कहा कि जब तक महलों में थी, जब चुपचाप मेरा भजन चलता था, तब बाहर भले ही पता ना हो कि ये क्या कर रही है, लेकिन अब तो इतनी प्रगट हो गई, सब चेर हो गई बात कि मीरा कृष्ण की दीवानी है, इसमें कोई संदेह नहीं।
मीरा कृष्ण के लिए नाच सकती है। मीरा सारी लज्जा और भय छोड़ करके एक तारा लेकर संतों की भीड़ में जाकर बैठ सकती है। मीरा को कुछ नहीं। मीरा ने कहा कि प्रगट भई जग जान जान, अब सबको मालूम है क्या छिपाने का, ठीक है जान रहे हैं मैं क्या हूं और मेरा कहां प्रेम जुड़ा है। लोगों ने जहर पिलाया, पसंद नहीं आएगी, इतनी इतनी आजादी। जो आत्मवान लोग होते हैं, जो सत्य के पक्ष को स्वीकार करने वाले लोग होते हैं, वो मर्द होते हैं, वो क्रांतिकारी होते हैं। नारी हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, उनको भय नहीं रहता है। जब वो हयात होते तो लोग उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते, ठीक से उनके साथ नहीं करते, और जब वो नहीं रहते तब उन्हें पूछ पूछ के हारते। ईसा मसीह को खिले ठोके हाथ में पांव में, क्या इतना खराब आदमी था, एक महापुरुष ठोके, किसी ने बचाया भी नहीं, क्योंकि वहां की राज सत्ता थी उन लोगों की, यहूदियों की। किले ठोको दीवार वाल मंसूर को सूली पर चढ़ा दे, खत्म कर। इसलिए हम सभी को, मेरी तो बड़ी सुंदर सुंदर कल्पना है, यहाँ भगवान का श्रीहरि धाम के नाम से मंदिर बन रहा है, ये आपका तीर्थ होगा, कभी कोई पूछता है कि इतना सुंदर भव्य और इतना एक स्टोन में पत्थर में बनने वाला मंदिर, इसका क्या मीनिंग है, तो हम कहते कि ये हजारों वर्ष इसकी आयु होती है, पत्थर नेचुरल चीज है तो इसकी आयु लंबी होती है। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा था, ये मेरे मालिक है खुदा का, ना हम रहे ना हमारा नाम रहे, एक तू रहे और तेरा नाम रहे, ना हम रहे हमारा कुछ भी ना रहे, एक तू ही तू रहे और तेरी शान रहे, तेरा नाम रहे। अब मैं उतना बड़ा महात्मा तो हूं नहीं, साधारण कुछ भी नहीं समझता, लेकिन मन में ऐसा भाव रहे कि बिल्डिंगें बनेंगी, आश्रमें बनेंगे, कहीं संत आएंगे, कहीं भक्त जुड़ेंगे, बरसों चलेगा, लेकिन हो सके जब तक तेरा नाम रहे, तू रहे। हम जैसे तो कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, हो सके। इसलिए बड़ी सुंदर सुंदर कल्पनाएं थी, बड़ी सुंदर यज्ञ व्यवस्था हो जिसमें वैदिक परंपरा के अनुसार हवन विधि विधान ये भी चलता रहे आश्रम में, एक तरफ एक मेडिटेशन हॉल हो, एक ध्यान मंदिर हो जिसमें उस पात्रता वाले व्यक्ति कभी भी आकर समय लेकर मौन रहकर ध्यान करके कुछ अपने आत्मोन्नति करे, तीन दिन कोई पांच दिन जिसको जीवन। कभी ऐसे आचार्यों को बुला करके वैद्यों का वैदिक अभ्यास हो एक तरफ, एक उसका कक्ष हो जहां जिसको ठीक से गीता सीखनी है, शास्त्र सीखने हैं, समझने हैं, वो उस कक्षा में जावे, वो एडमिशन लेवे, प्रवेश लेवे, तीन दिन पांच दिन सात दिन और कोर्स करे। एक ऐसी आसन प्राणायाम योगासन की एक योगशाला हो जिसमें उसके टैलेंट आचार्य हो,
और वो वहाँ पर जिसको इंटरेस्ट हो वो उसमें प्रवेश लेवे और वो वहाँ कोर्स करे। ऐसे नाना प्रकार के ऐसी कल्पनाएं आज नहीं तो कभी होगी भविष्य में, हमारे सामने नहीं तो बाद में होगी, लेकिन शुभ संस्कार जो है संकल्प वो होते ही होते हैं, जन्म जन्म होते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा सबको, एक दूसरे को मदद करे, सम्मान करो बंधुओं को, माताओं को, इन बातों का ध्यान नहीं रहता। अन्य जगह तो वो सब हेल्प करते मदद करते, इसलिए बिना किसी पुलिस व्यवस्था के, बिना किसी का संयोग लिए आपके ही बच्चे तैयार हो गए और वही यूनिफॉर्म में ड्रेस पहनकर 8-8 घंटे ड्यूटी करते, कोई लालच नहीं है, कोई लेना देना। और इतनी मुसीबतें तो बापू जी क्या बताए, कभी वीआईपी लोग आते हैं उनके लिए हमको जगह रखनी पड़ती, क्योंकि आपका आदेश उनका आदर करना जरूर है। एक वीआईपी के पीछे 8-10 आते, सेमड़े सामड़े लेंडे मेंडे सब। अब 10 वीआईपी आए तो उसके लिए 100 लोग उसके पीछे आ जाए, आने दो आने दो आने दे। अब दूसरे है वर्षों से जुड़े हैं और वो ऊपर के वीआईपी नहीं है लेकिन आत्मा के वीआईपी है, दिल के वीआईपी है, वो वर्षों से जुड़े, वो तन से मन से धन से निरंतर मिशन की सेवा किया करते हैं, उनको कैसा दुख होता है कि बिन पगारी फूल अधिकारी, ये वीआईपी तो कभी दिखाई नहीं, जो आज आकर देखो उसका ठाट। अहम वर्षों से करे क्या, बड़ी मुसीबत है। तो उनको हमने कहा कि बेटा हारना नहीं पड़ता है, मैं हर एक क्षेत्र में हमारे संतों को भी, सिक्योरिटी सेवा के बच्चों को भी और समितियों के सारे प्रेमियों को, गांव गांव में जहां भी जो भी कोई कार्य करते उनको भी इसी तरह का हारने का नहीं है, बस इतना देखने का हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो फिर ठीक है, दिल साबुत फिर डरना क्या, हो जा होशियार सदा गुरु आगे, दिल साबुत फिर डरना क्या। तो इनमें सब में आपको सहयोग एक दूसरे करना चाहिए। अगर मंदिर बन गया भगवान की कृपा से, एक आध साल में पूरा हो जाएगा, ऐसा अभी जो टीम मिली है बड़े अच्छे लोग है करने वाले, तो वो कहते हैं कि हम लोग पीछे लोग जो है, बाकी कोई कमी नहीं रही लेकिन करने वाले ही नहीं, और अपने देश में वो लोग है ही नहीं, ये लोग उधर होते राजस्थान में होते पत्थरों के काम करते ज्यादातर, अभी उसको गति आई। बहुत बड़े बड़े संतों की हार्दिक इच्छा है कि हम बापूजी के पाल आश्रम में जाना चाहते, देखना चाहते, मुंह से कहते मुझे, ऐसे ऐसे संत जो बुलाने से ना आवे वो खुद कहते कि हमें वहां आना है, मैं टाल देता हूं कि थोड़ा सा वो हो जावे फिर आप सबको ले जाऊं, और मेरा जितना परिवार है जितने प्रेमी है भले लाख लोग हो और सबको आपका लाभ मिले, आपका सानिध्य मिले, आपका दर्शन मिले, आपकी